I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. ऑलरेडी गाइस तो गाइस टीचर सारे फोल्ड कर दिए और अभी नाना है और ब्रेकफास्ट करना है, फिर मैं ले से निकल जाऊंगा आज मनाली के लिए। कल इवनिंग में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया। और अभी बैग पूरा पैक करना है और चेकआउट करना है जल्दी, तो मिलता हूँ नाके। Off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. Don't never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to dream my energy. ऑलराइट गाइस, तो गाइस जो मेरे गेस्ट हाउस में रुका उसका कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कार्ड है, कॉन्टेक्ट नंबर देख सकते हो आप। तो आप जब भी ले आओ तो श्योर यहाँ रुकना, बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत चीप प्राइस है गेस्ट हाउस। आप डोम भी ले सकते हो, सेपरेट रूम भी ले सकते हो। और ये है इनके यहाँ के ऑनर आरिफ जी। ये है आरिफ जी। तो आरिफ जी कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। और मेरी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलेंगे सर, बस आप थोड़ा रिकमेंड कर दीजिए। बिल्कुल। हाँ। ओके, और ये यहाँ के शेफ शेफ नहीं है सर, आप सर बता रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा खाना वाना खिलाया मेरे को। ये भी बहुत बड़ी इंसान है, जो भी है बहुत प्यारे इंसान है, लवली इंसान है, बहुत बड़ी इंसान है। चैनल को सब्सक्राइब और यूट्यूब सब्सक्राइब एंड शेयर वेलकम। ओके ओके गाइस, हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज धीरन एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एक्साइटिंग वीडियो। ओके तो गाइस, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से ले का जो मेरा रेनबो गेस्ट हाउस था वो छोड़ के अभी मनाली के लिए निकल रहा हूँ। और यहाँ से हिचहाइकिंग स्टार्ट करूँगा मनाली के लिए। और सामान दोनों मैंने बैग लगा लिए और देखते हैं मनाली कितने दिन में पहुँच जाता हूँ, दो दिन में, क्योंकि मनाली काफ़ी दूर है, 420 किलोमीटर। तो चलते हैं। आज लेक के अंदर मौसम ऐसा हो रखा है कि मॉर्निंग में थोड़ी सी बूंद, हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, बारिश की ज़्यादा नहीं, बट बहुत ठंड है यहाँ पे, इसलिए मैंने आज हुडी पहना है क्योंकि थोड़ी ठंड हो रही है, क्योंकि बादल हो रखे हैं आज, कभी भी बारिश हो सकती है, कोई आइडिया नहीं है। तो देखते हैं, बस लिफ्ट मिल जाए यहाँ से मनाली के लिए और कुछ नहीं। अच्छा लगा दो दिन स्पेंड किए मनाली लेक के अंदर, और लोकल थोड़ा विज़िट किया मैंने। और देखते हैं, ठंडा पानी से नहाया था तो थोड़ी सी सर्दी फील हो रही है, बट ठीक है, कोई नहीं। गलियों से निकल रहा हूँ मेन रोड के लिए। ओके, आज थोड़ी ठंड ज़्यादा ही फील हो रही है मेरे को, पता नहीं, एक तो ठंडे पानी से नहा लिया और
सुबह हल्की सी बारिश भी होगी यहाँ पे, इसलिए चलते हैं। ओके तो गाइस हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और मैं यहाँ रुका हूँ इसके नीचे, ऊपर लगा हुआ है कवर और बारिश ज़्यादा नहीं हो जाए बस, नहीं तो हार्ड हो जाएगा मेरे से यहाँ से निकलना। मैं अभी यहाँ रुका हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पास रेनकोट भी नहीं है और नहीं दोनों बैग के रेन कवर है। तो देख सकते हो ये है लेक का मार्केट जाने का रास्ता है। ऑलराइट गाइज, तो गाइज अगेन बैड लक, जो मेरे लिए से मनाली की हिचहाइकिंग की जर्नी कंप्लीट डिलीट हो गई मेरे हार्ड डिस्क से और मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि ये भी काफ़ी मेमोरीफुल मेरी जर्नी थी, क्योंकि मैंने आफ्टरनून से लेह से हिचहाइकिंग स्टार्ट की थी और रात को मैं मनाली पहुंचा था 2-3 बजे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इसके अंदर भी। सबसे पहले मेरे को लिफ्ट मिली, जहां आप देख रहे थे लास्ट क्लिप में बारिश हो रही थी, वहां से मेरे को एक स्कूटी से लिफ्ट मिली जिससे मैं लेह सिटी से थोड़ा बाहर आ गया। फिर उसके बाद में मेरे को एक आर्मी ट्रक ने लिफ्ट ऑफर की, जिन्होंने मेरे को 35 किलोमीटर ड्रॉप किया ले के हाईवे पे। उसके बाद में फिर एक ट्रक मेरे को मिला जिनको मैंने कन्विंस किया कि वो कुल्लू तक जा रहा था, तो उन्होंने स्टार्ट में मना कर दिया कि मैं लिफ्ट नहीं दूंगा। फिर मैंने कैसे करके उनको एग्री किया और फिर उन्होंने मेरे को एग्री हो गया मनाली तक लिफ्ट देने के लिए, और मेरे को मनाली पहुंचना था और वो ट्रक कुल्लू जा रहा था, तो मनाली बीच में पड़ता है, तो उन्होंने मेरे को लिफ्ट दी डायरेक्ट ले हाईवे से मनाली। तो उन्होंने मेरे को मनाली रात को ड्रॉप किया 2:30 के आसपास। उसके बाद मैं मनाली पहुंच गया, फिर उसके बाद मैं मनाली मेन बस स्टैंड चला गया। वहां मैं ट्राई कर रहा था कुछ हॉस्टल या कोई गेस्ट हाउस को, या जिससे मैं नाइट निकाल सकूं, बट लेट नाइट हो गया था तो इसलिए किसी ने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं किसी ने कॉल पिकअप किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मॉर्निंग तक का वेट करूँगा। ट्राई किया मैंने सोने का बस स्टैंड पे, पर नींद थोड़ी बहुत आई, ज़्यादा आई नहीं। फिर मैंने मॉर्निंग का वेट किया तो ये नाइट मेरी पूरी ऐसे निकली, मैं सोया नहीं अच्छे से। फिर मैंने मॉर्निंग में मेरे को एक हॉस्टल मिल गया था। तो ये तक यहाँ तक ये जर्नी थी और नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि आगे क्या होगा। सो टेक केयर।